आज का हमारा फाउंडेशन कोर्स का सेकंड क्लास है, ठीक है, सेकंड वीडियो लेक्चर है। आई होप कि सब बच्चों ने फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखा होगा। जिन लोगों ने भी फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा, प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट में मैथमेटिक्स फाउंडेशन कोर्स करके एक फोल्डर बनते हैं, उसमें फर्स्ट वीडियो आप लोग पहले देख लीजिए। ठीक है, पहले फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखिए, तभी आपको सेकेंड वीडियो लेक्चर समझ में आएगा। तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने नंबर सिस्टम इस कंसेप्ट को अच्छे से समझा था। उसमें डिफरेंट डिफरेंट कुछ नंबर सिस्टम आते थे, उसको डिस्कस किया था। और मैंने उसी वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में एक वर्कशीट अपलोड की है, ठीक है ना। आप लोग वो वर्कशीट को अपलोड डाउनलोड कीजिए, ठीक है। अगर अच्छा, आज के वीडियो में भी मैंने सेम वर्कशीट अपलोड की है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर सबसे पहले वर्कशीट को डाउनलोड करो, ठीक है। और उसी वर्कशीट का हम डिस्कशन आज के क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिन बच्चों ने वीडियो लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा होगा मैथमेटिक्स का, पहले वो देख ले, थ्योरी कांसेप्ट है वो समझ लो, और फिर आप वर्कशीट के डिस्कशन को देखो, ठीक है। ओके, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्या बोला फर्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर व्हिच कैन एक्सप्रेस एज p / 2 वेयर p एंड q आर इंटीजर। एक किसी नंबर को कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, p / q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया। कौन से फॉर्म में, p / q के फॉर्म में। p एंड q क्या है, इंटीजर है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, p एंड q क्या है, इंटीजर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। उसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। ओके, तो रैशनल नंबर होता क्या है कि कोई नंबर को p / q के फॉर्म में एक्सप्रेस करे, और p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर। p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर। और ये जो डिनोमिनेटर में q है, ये कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0, तब जाकर उसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। ये वही है, p / q क्या है, इंटीजर। देखो p और q के फॉर्म में लिखा है, p / q क्या है, इंटीजर। तो ये किसके डेफिनेशन है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन। ओके, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p / 2, एक नंबर है जो p / 2 के फॉर्म में लिखा गया है, इज सेड टू बी रैशनल नंबर। इसको अपन रैशनल नंबर कब बोलेंगे, जब p एंड q इंटीजर होना चाहिए, p और q तो इंटीजर होना ही चाहिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी देखिए, p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। देखो क्या-क्या होना चाहिए, p एंड q इंटीजर होना चाहिए, q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। पहले ऑप्शन के अंदर सिर्फ ये बोला गया कि p एंड q क्या होना चाहिए, इंटीजर। ये कंडीशन तो बट सफिशियंट कंडीशन नहीं है, p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। p एंड q इंटीजर होना चाहिए और q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो ये है अपना करेक्ट आंसर। अच्छा, थर्ड ऑप्शन भी देख लेते, p एंड q आर इंटीजर बट p नॉट इक्वल्स टू 0। मैंने बोला कि p एंड q इंटीजर होना चाहिए, लेकिन ये जो p है ये 0 नहीं होना चाहिए। एक्चुअली 0 कौन नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर वाला 0 नहीं होना चाहिए। p एंड q आर इंटीजर एंड p not equals to 0 and q not equals to 0, p and q integer तो होना चाहिए। अब ये क्या चाहते हैं, ये ऑप्शन क्या कहता है कि p भी 0 नहीं होना चाहिए, q भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है, q तो 0 नहीं होना चाहिए बट p 0 रहा तो भी चलेगा, अगर p 0 है तो भी रैशनल नंबर p रहेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा b। तीसरा, the multiplicative inverse of minus, the multiplicative inverse of minus, ये ऐसा लिखें 1/1। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि फिक्स्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसकी वैल्यू कितनी आती है, ये होता है 1+1/7, यानी कितना, 8/7। ये कितना हो गया, 8/7, तो ये नेगेटिव में है, ये कितना होगा, -8/7। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, अगर मैं आपको पूछता कि 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि आंसर 1 आना चाहिए, 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि आंसर क्या आना चाहिए, 1/2, ताकि आंसर 1 आना चाहिए। तो आंसर कौन सा नंबर होगा, 1/2। 1/2 को क्या बोलेंगे, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर मैं कहता हूं कि -3 को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि आंसर 1 आना चाहिए, तो -1/-3 से तो आएगा 1, तो -1/3 -3 का क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। तो अगर मैं आपको पूछता हूं कि -8/7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि आंसर 1 मिले, -8/7 को किससे मल्टीप्लाई करो, किससे, तो देखो इसका उल्टा कर देना सीधा सीधा, क्या करना, उसी नंबर का उल्टा, यानी कि -7/8। तो देखो 8 कैंसिल, 7 कैंसिल, -- प्लस, तो आगे आंसर 1। तो -8/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना, -7/8। तो -7/8 देखिए, देखो
माइनस सेवन बाई सेवन अपॉन माइनस एट यानी माइनस सेवन अपॉन एट, तो करेक्ट आंसर आएगा डी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझ लो, टू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वन बाय टू, ठीक है, तब जाएगा आंसर कितना आएगा वन। माइनस टू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वन अपॉन माइनस टू, तब जाएगा आंसर कितना आएगा वन, ठीक है, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात में, इफ एक्स बी एनी रैशनल नंबर देन एक्स प्लस जीरो, देखो सबको बताइए कि अगर कोई रैशनल नंबर है एक्स, उसमें जीरो ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, जैसे टू एक रैशनल नंबर है, जीरो ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा टू आएगा, तो करेक्ट आंसर एक्स में जीरो ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा एक्स ही आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। द रेसिप्रोकल ऑफ वन, वन का रेसिप्रोकल क्या होता है वन ही होता है, ये भी सभी को पता ही। द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस होता है माइनस वन का रेसिप्रोकल, तो इसके डिवाइड में क्या है वन है, तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा वन अपॉन माइनस वन आएगा, और वन अपॉन माइनस वन यानी कितना होता है माइनस वन, माइनस वन का रेसिप्रोकल कितना आएगा माइनस वन ही आएगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ जीरो, अब ध्यान से देखना, जीरो जीरो के डिवाइड में क्वेश्चन होता है कितना वन है, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा वन बाय जीरो, और वन बाय जीरो क्या होता है नॉट डिफाइंड, जब भी डिवाइड में जीरो आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉट डिफाइंड, तो जीरो का रेसिप्रोकल डिफाइंड नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर आएगा डी, ओके ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट, द रेसिप्रोकल ऑफ एनी रैशनल नंबर पी बाय क्यू, पी बाय क्यू क्या एक रैशनल नंबर है, उसका रेसिप्रोकल, पी बाय क्यू का रेसिप्रोकल क्या होगा, पी बाय क्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा क्यू बाय पी, उल्टा कर देना तो इसका रेसिप्रोकल आएगा क्यू बाय पी, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी। इफ वाई बी द रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर एक्स, वाई क्या है एक रैशनल नंबर एक्स का रेसिप्रोकल है, देन द रेसिप्रोकल ऑफ वाई विल बी, अब जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि वन बाय टू जो है, वन बाय टू जो है ये किसका रेसिप्रोकल है टू का रेसिप्रोकल है, वन बाय टू जो है किसका रेसिप्रोकल है टू का रेसिप्रोकल, तो फिर टू का रेसिप्रोकल क्या होगा, सॉरी टू किसका रेसिप्रोकल होगा तो वन बाय टू का, नहीं समझा, देखो वन बाय टू ये किसका रेसिप्रोकल है टू का, वन बाय टू किसका रेसिप्रोकल है टू का, तो टू किसका रेसिप्रोकल, टू का रेसिप्रोकल क्या होगा वन बाय टू, टू का रेसिप्रोकल क्या होगा वन बाय टू, यहाँ पे देखो क्या बोला है, इफ वाई बी द रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर एक्स, वाई जो है एक्स का रेसिप्रोकल है तो वाई का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो वाई का रेसिप्रोकल क्या होगा एक्स हो जाएगा, वाई बी द रेसिप्रोकल ऑफ एक्स, एक्स का रेसिप्रोकल क्या है वाई है, तो वाई का रेसिप्रोकल क्या होगा एक्स हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल ऑफ माइनस थ्री बाय एट इंटू माइनस सेवन बाय थर्टीन, पहले ये देखते हैं माइनस थ्री बाय एट इंटू माइनस सेवन बाय थर्टीन कितना होता है, माइनस थ्री इंटू माइनस सेवन कितना हो गया ट्वेंटी वन, और ये कितना हो गया टू हंड्रेड एंड फोर, फिर सॉरी वन हंड्रेड एंड फोर, मैंने हंड्रेड एंड फोर देखो एट थ्री जार ट्वेंटी फोर रिमेनिंग टू एट वन इज एट एंड रिमेनिंग टू, तो फिर इसका रेसिप्रोकल कितना है ना, इसका रेसिप्रोकल हो गया 104 अपॉन 21, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा 104 अपॉन 21, ए करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ओके ठीक है। ओके अब आते हैं ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पे, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन मतलब आंसर आपको ट्रू या फॉल्स में बताना है। इफ एक्स बाय वाई इज अ रैशनल नंबर, अगर एक्स बाय वाई क्या है रैशनल नंबर है, ठीक है ना, एक्स बाय वाई अगर रैशनल नंबर है देन वाई इज ऑलवेज अ होल नंबर, तो क्या वाई को हमेशा होल नंबर होना पड़ेगा, कि ये पूछा गया है। तो हमने डेफिनेशन क्या देखी रैशनल नंबर की, कि अगर x by y रैशनल नंबर है तो x और y क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए, x और y क्या होना चाहिए इंटीजर, तो यहाँ पे क्या बोला x हमेशा क्या होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए, मतलब वो बोलना चाहते हैं कि डिनोमिनेटर में होल नंबर होनी चाहिए, यानी जीरो और जीरो से बड़े नंबर होने चाहिए, ठीक है, जीरो या जीरो से बड़े नंबर, पहली बात तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा फॉल्स आएगा, समझ में आएगा सभी को, कि वो कहना चाहता है कि जो डिनोमिनेटर में वाई जो है वो होल नंबर होना चाहिए, इज ऑलवेज अ होल नंबर, बट ऐसा नहीं, अगर वाई होल नंबर हो गया तो y क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और डिवाइड में जीरो का मतलब क्या आएगा नॉट डिफाइंड, अच्छा जीरो को अगर कुछ देर के लिए साइड में भी रखे तो जीरो से बड़े नंबर वन टू थ्री फोर ये हो गए, बट यहाँ पे तो माइनस वन हो सकता है, ठीक है, माइनस वन माइनस टू माइनस, यानी बेसिकली जो डिनोमिनेटर में y है उसको क्या होना चाहिए इंटीजर,
तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन बात है, इफ पी बाय क्यू इज अ रैशनल नंबर, अगर पी बाय क्यू, अगेन उसी टॉपिक पे है कि अगर पी बाय क्यू क्या है, रैशनल नंबर है, देन पी कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ये जो पी है ये जीरो नहीं होना चाहिए। पहले तो आप रैशनल नंबर की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर करो कि अगर कोई नंबर एक्स बार वाई के फॉर्म में है और एक्स और वाई क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, एंड वाई कौन सा होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो। y डिनोमिनेटर वाला नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ऊपर वाला जीरो हो सकता है, ठीक है, ऊपर वाला जीरो हो सकता है। इसने क्या बोला कि p by q is a rational number, then p cannot be equal to zero, तो जो p है वो जीरो नहीं होना चाहिए, बट p जीरो हो सकता है, जीरो कौन नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, फॉल्स, करेक्ट आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ओके, अगले क्वेश्चन करते हैं, इफ r by s is a rational number, अगर r by s क्या है, एक रैशनल नंबर है, then s cannot be equals to zero, तो डिनोमिनेटर जो s है ये जीरो नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ट्रू, ये ट्रू है, ठीक है। 5 by 6 lies between 2 by 3 and 1, तो क्या 5 by 6 2 by 3 और 1 के बीच में lies करता है, तो देख लेते 2 by 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 by 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 0.6, ठीक है ना, 0.6, उसके बाद कितना आएंगे, फिर से 6 आ जाएगा, ठीक है, 2 बाय 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 0.6, देखो ये 0 लिया तो ऊपर 20 हो गया, 3 6 18, फिर बचा 2, फिर 20, ये आ जाएगा, और 1 तो ठीक है। 5 बाय 6 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 बाय 6 की वैल्यू 0, तो ये हो गया 50, 6 7 49, तो ये कितना आएगा, 7 आएगा, 6 7 49, एक बचा तो 10 हो गया, तो 6 1 6, और तो उन्होंने पूछा है कि क्या 5 बाय 6 2 बाय 3 और 1 के बीच में राइज करता है, तो एक नंबर लाइन बना लेते हैं, इस नंबर लाइन पे 0.66 बना लिया और 1 बना लिया, तो क्या 0.71 बीच में आएगा क्या, यहाँ पे 0.66 आ गया, फिर 0.7 भी आएगा, फिर 0.8 भी आएगा, फिर 0.9 आएगा, 0.10 का मतलब कितना, 1 आ जाएगा, तो हाँ 0.7 बीच में आ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। क्या 5 बाय 10, क्या 5 बाय 10 1 बाय 2 और 1 के बीच में है क्या, देखो तो ये हो गया, 1 बाय 2 का मतलब कितना होगा, 0.5, सबको बताइए, 1 बाय 2 का मतलब 0.5, और यहाँ पे तो भी होगा 1, 5 बाय 10 इसके बीच में आता है क्या, 5 बाय 10 यानी कितना होगा, 5 बाय 10 भी कितना होता है, 1 बाय 2 होता है, तो क्या 5 बाय 10 इसके बीच में लाइज कर रहा है क्या, नहीं, 5 बाय 10 तो एग्जैक्टली यहाँ पे लाइज कर रहा है, इन बिटवीन, ठीक है, इन बिटवीन नहीं लाइज कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, फॉल्स। ओके, ठीक है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन थे, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया कि x plus y की वैल्यू 0 है, x plus y equals to 0, then minus y is known as the negative of x, तो क्या मैं minus y को ये बोल सकता हूँ कि वो x का negative number है, चलो देखते हैं, तो देखो x plus y कितना है, 0 है, तो x is equals to कितना हो गया, minus 1, तो क्या आप बोल सकते हो कि x का जो negative number है, x का जो negative number है वो क्या है, minus y है, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस वाई इज नोन एज नेगेटिव ऑफ एक्स, हाँ सही है, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। देखो एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ एक्स का नेगेटिव नंबर माइनस वाई है करके, एक्स का नेगेटिव नंबर क्या है, माइनस वाई, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स की वैल्यू 2 है और माइनस 2 है, एक्स की वैल्यू 2 है और माइनस 2, अब मैं आपको बोल रहा हूँ एक्स का नेगेटिव नंबर क्या है, तो x का नेगेटिव नंबर क्या आएगा, माइनस 2, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना है, माइनस वाई, तो x का नेगेटिव नंबर कितना आएगा, माइनस वाई आएगा, पहले का आंसर आ जाएगा ट्रू। द नेगेटिव ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 का आता है, द नेगेटिव ऑफ द नेगेटिव ऑफ एनी रैशनल नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, ठीक है, ध्यान से देखो, कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा, एक नेगेटिव रैशनल नंबर है उसका नेगेटिव कितना आएगा, 7 आ जाएगा, वो नंबर खुद आएगा, जैसे माइनस 6 एक नेगेटिव नंबर है उसका नेगेटिव क्या आएगा, 6 आएगा, वो नंबर खुद आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा।
द नेगेटिव ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, जीरो का नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, ये भी ट्रू आएगा, जीरो का नेगेटिव कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। नाइन, नेगेटिव ऑफ वन इज वन इटसेल्फ। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वन, वन का नेगेटिव क्या होता है, माइनस वन होता है, और ये क्या कह रहा है, नेगेटिव ऑफ वन इज वन, क्या वन का नेगेटिव वन हो रहा है क्या, नहीं, वन का नेगेटिव क्या होता है, माइनस वन होता है, इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन का है, फॉर ऑल रैशनल नंबर एक्स एंड वाई, मतलब सारे रैशनल नंबर एक्स एंड वाई के लिए, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस एक्स की सेम होती है, जैसा ये कहना चाहते हैं कि जितने भी रैशनल नंबर है, चलो मैं मान लेता हूँ कि x केवल 4 है, 4 तो एक रैशनल नंबर है, 4 क्या है, रैशनल नंबर है, और y, y केवल 5 है, 5 भी एक क्या है, रैशनल नंबर, तो हमने दो रैशनल नंबर कोई भी ले लो, आप कोई भी ले सकते हो। अब ये बोला जाता है कि x माइनस वाई करने पर, y माइनस x करने पर आंसर सेम आता है, तो x माइनस वाई करने पर, x माइनस वाई करने पर आंसर कितना आएगा, माइनस 1 आएगा, और y माइनस x करने पर, y माइनस x करने पर आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, x माइनस y, 4 माइनस 5 माइनस 1, y माइनस x, 5 माइनस 4 1, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या, नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, फॉल्स, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 11 का, फॉर ऑल रैशनल नंबर, सभी रैशनल नंबर के लिए x एंड y, x इंटू y और y इंटू x करने पे सेम आता है। चलो ये एग्जांपल ले लेते हैं कि x क्यूब 4 है, y क्यूब 5 है, तो देखते हैं x इंटू y, x x इंटू y, 4 इंटू 5 कितना हो गया 20, और y इंटू x, 5 इंटू 4 ये भी कितना आ रहा है 20, ये क्या कहना चाहता है कि x इंटू y और y इंटू x दोनों सेम होते हैं, हाँ ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि दोनों सेम हो रहे हैं, देखो x इंटू y 20 है, y इंटू x भी क्या है 20 है। उसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 12 है, फॉर एवरी रैशनल नंबर x, x इंटू y इक्वल्स टू x, अब देखो यहाँ पे उन्होंने गड़बड़ कर दी, ये क्या बोल रहे हैं कि सभी रैशनल नंबर x के लिए, कोई भी रैशनल नंबर x ले लो, मान लो x के लिए 5, तो x इंटू 0 करने पे x आता है, ऐसा ये कहना चाहते हैं कि x इंटू 0 करने पे x आता है, तो क्या x इंटू 0 यानी 5 इंटू 0 करने पे 5 आता है क्या, नहीं, ये तो 0 आता है, मतलब ये गलत बोल रहे हैं, और वैसे भी आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये चीज क्या है, गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बात है, फॉर एवरी रैशनल नंबर x y z, अब यहाँ पे तीन रैशनल नंबर दिए हैं x y z, अब देखना है x plus y into z, x plus y into z equal में है, बोलते हैं x plus y into x plus z के, मतलब अगर मैं तीन रैशनल नंबर लेता हूँ, मान लो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 5 है और z की वैल्यू कितनी है 6 है, अगर मैं तीन रैशनल नंबर ले रहा हूँ, कोई भी तीन रैशनल नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, कोई भी तीन रैशनल नंबर, मान लो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू 6 है, तीनों के तीनों का रैशनल नंबर है, तो x plus y into z, x कितना लिया 4 plus y कितना लिया है 5 इंटू z कितना लिया है 6, तो इसका आंसर कितना आएगा, ये रिजल्ट कितना आएगा, 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 5 6 है 30, 30 प्लस 4 कितना आ रहा है, 34 आ रहा है, और ये x प्लस y, x मतलब कितना 4 प्लस y मतलब कितना 5 इंटू x मतलब कितना 4 प्लस z मतलब कितना 6, तो ये कितना रहा है, देखो 4 प्लस 5 ये हो गया 9 और 4 प्लस 6 ये हो गया 10, तो ये कितना आ रहा है, इसका रिजल्ट 90 आ रहा है, इसका रिजल्ट कितना आ रहा है 90 और इसका रिजल्ट कितना आ रहा है 34, तो क्या दोनों इक्वल हुए क्या, नहीं, मतलब ये जो बोला गया ये भी गलत है, समझ में आया, तो ये चीज क्या है, फॉल्स है, फॉल्स, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, माइनस वन इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ एनी रैशनल नंबर, क्या बोला जाता है कि माइनस वन किसी भी रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल नहीं है। अच्छा पहले ये सुनो कि वन का रेसिप्रोकल क्या होता है, वन का रेसिप्रोकल वन, मतलब वन नंबर का रेसिप्रोकल है प्रेजेंट, अगर मैं पूछूं माइनस वन का रेसिप्रोकल कितना होगा, माइनस वन का रेसिप्रोकल कितना होगा, माइनस वन, रेसिप्रोकल का पता है उल्टा करना होगा,
रेसिप्रोकल आपको पता ही होगा, ठीक है। तो माइनस वन का रेसिप्रोकल कितना होता है, माइनस वन होता है, माइनस वन का रेसिप्रोकल माइनस वन। पर ये क्या बोलना चाहते हैं कि माइनस वन इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ एनी रैशनल नंबर, माइनस वन किसी रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल है ही नहीं, ये ऐसा बोलना चाहते हैं। ये क्या है, कंप्लीटली गलत है, फॉल्स है। तो माइनस वन रेसिप्रोकल है, माइनस वन रेसिप्रोकल है किसका, माइनस वन का ही, माइनस वन का रेसिप्रोकल माइनस वन ही होता है, ठीक है। उसके बाद आते क्वेश्चन पर, जीरो इज अ रैशनल नंबर, क्या जीरो रैशनल नंबर है, ऑब्वियसली है, आपको डायग्राम अच्छे से याद होगी, जीरो पता है पूरे उस डायग्राम में आता था, ये क्या है, ट्रू है, जीरो रैशनल नंबर है, याद है, डायग्राम सबको अच्छे से क्लियर होगी, ओके, ठीक है, ओके। यहाँ अब उन लोगों की नंबर सिस्टम की वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। आई होप कि आप सब लोगों को ये सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर हुए होंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, ठीक है। जिन बच्चों की जो भी बच्चे ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आज का वीडियो उनके लिए फर्स्ट है, सबसे पहले आपको लेक्चर नंबर वन देखना चाहिए, पहले आप थ्योरी कंसेप्ट क्लियर कर लो और तब जाके आप लोग इस सेकंड वीडियो को देखो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको हमारा पढ़ाना समझ रहा होगा, आप वीडियो को लाइक करो, ठीक है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वहाँ एक बेल आइकॉन होता है उसको प्रेस करो। बेल आइकॉन को प्रेस करने से क्या होता है, जब भी हम लोग नए वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा, ठीक है। हमारी तरफ से आपको बाय व्हाट्सएप थ्रू तो डेली के मैसेज आएंगे, बट अगर आप बेल आइकॉन को प्रेस करते हो तो आपको ऑटोमेटिक यूट्यूब के तरफ से भी एक मैसेज आएगा कि आज ये नया वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है। और साथ ही साथ आपके जो फ्रेंड सर्कल होगा उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करो ताकि वो भी बेसिक क्लासेस का फायदा उठा सके, ठीक है, ओके। तो अब आएंगे हम लोग, ओके, आज यही पे स्टॉप हो जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारा टॉपिक नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे, ओके, ठीक है, बाय।